मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 दिनों के ब्रिटेन दौरे के बाद आज वापस भारत आ चुके हैं। भारत आने के बाद उन्होंने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर अपने इस दौरे के बारे में जानकारियां दी हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी देहरादून में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता देने के लिए ब्रिटेन गए हुए थे। आपको इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 4 दिवसीय दौरे में ब्रिटेन से सीएम धामी क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। 25 से लेकर 28 सितंबर तक सीएम धामी ब्रिटेन में रहे और भारत आने के बाद आज उन्होंने दिल्ली में प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि देहरादून में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और इसके लिए सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा हुआ है और इसे ही पूरा करने की कड़ी में सीएम धामी 25 सितंबर को ब्रिटेन पहुंचे, जहां लंदन एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों और उत्तराखंड के प्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से काफी स्वागत किया। उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ वादन और उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। इसके बाद 4 दिनों में सीएम धामी ने वहां पर कई बैठकें की हैं। सीएम धामी ने आज पीसी कर बताया कि बैठकों में राज्य में लगभग 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर करार हुआ है, जिसमें लंदन में पूमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर एमयू साइन किया गया है। औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 2 अलग अलग एमयू में 3800 करोड़ और ऊषा ब्रेको के साथ 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमयू साइन किए गए हैं। कयान जेट के द्वारा स्कीइंग रिसोर्ट विकसित करने के लिए 2100 करोड़ और केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमयू साइन हुआ है। सीएम धामी ने आज बताया कि 27 सितंबर को ब्रिटेन के ऐतिहासिक शहर और औद्योगिक और शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात बर्गिम्बम शहर में आयोजित हुए उत्तराखंड में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों के 250 डेलीगेशनों के साथ एक सघन बैठक हुई थी, जिसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए। 28 सितंबर को ब्रिटेन में कार्यरत कई उद्योग समूहों के साथ बैठकों में पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्र में हुए करार के लिए 3300 करोड़ रुपए के अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर हुआ है। सीएम ने कहा कि ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ उत्तराखंड और ब्रिटेन के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए भी सहमति बनी है। उन्होंने साथ ही कहा कि पूमा ग्रुप के द्वारा हरिद्वार समेत कई अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों में रोपवे के लिए तकनीकी सहयोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निवेश की इच्छा भी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लंदन में निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लंदन सर्विस सेक्टर का भी एक बड़ा केंद्र है। हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस के क्षेत्र में ब्रिटेन अग्रणी है। ब्रिटेन के द्वारा बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल टेक्नोलॉजीज में निवेश को वरीयता दी जाती है। उत्तराखंड में भारत के फार्मा हब के रूप में प्रतिष्ठित है। राज्य में 3 फार्मा क्लस्टर हैं, जिनमें 300 से अधिक उद्योग कार्य कर रहे हैं। रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक अवस्थापना तक कई सारे अवसर प्रदान करता है। लंदन और मैनचेस्टर जैसे शहर इसके बेहतर उदाहरण है। उत्तराखंड में उन्होंने कहा इसकी अपार संभावना है और हम राज्य में 2 नए शहर यानी सिटी बसाने की संकल्पना भी इस पर कार्य कर रहे हैं। तो अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान 12,500 करोड़ के करार यहां पर साइन किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य यहां पर सरकार ने रखा है दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, तो बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए क्या कुछ सरकार अब करती है और कौन से देशों का दौरा करने के लिए सीएम धामी जाते हैं, जो कुछ भी होगा आपको हम बताएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।